comida e nasce, tá? इतने गौर से ना देखे जी, मन्ना प्यार हो जाएगा। ओ बागल, पूरी दुनिया को शाम रात में चाइनीज नसीब होता है, ये सुबह सुबह मेरे पल्ले कहाँ मार दिया तुमने? हीर बाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, आपको पंजाबी नाश्ता नहीं ना पसंद, इसलिए मैंने आपके लिए चाइनीज बना दिया। लेकिन इसमें तो चाइनीज नजर ही नहीं आ रहे। हाँ है, आपके कहने का मतलब सिंधी बिरयानी में सिंधी नजर आते हैं। क्या हुआ रूमी जी? ये तुमने कैसे बनाया यार? बहुत ही आसान है रूमी जी, मैंने सब सब्जियां काट के ना सेवियों के साथ उबाल ली, जब सब कुछ उबल गया तो मैंने तीसी की ओर का तड़का लगा के हसबे जायका लून और मिर्च डाल के गर्म गर्म आपके सामने पेश कर दिया जी। वाह 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 वाह, तुम्हें तो इस घर का ना मॉनिटर बना देना चाहिए। तुम हीर से दो नंबर आगे चल रही हो, वो सिर्फ मुझे मिर्चे लगाती थी, तुमने चाइनीज को तड़का लगा दिया। पागल कहीं की। मुझे खाना भले ना खाए, मैंने लस्सी बनाई इतने प्यार से, वो तो पीते जाए। लस्सी पीते जाए, उसमें भी मक्खन के तड़के होंगे, नीचे से बुलबुले निकल रहे होंगे, ऊपर से शुपोंगले, शलजम, चावल, गोल। पागल बना के रखा हुआ सुबह सुबह। इस घर में नाश्ता मांगो यार, नाश्ता नहीं मिलता यार। मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा दूध डाल लूं तो जायका शायद चेंज हो जाए। दूध डाल ले, इसमें मोजे भी डाल ले थोड़े, ताकि सर्दी ना लगे सवैयों को। पागल गई। अरे यार गनी काका, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे यार, बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहा हूँ, अब किसी के आगे हाथ फैला रहा तो बुरी बात है ना। अरे गनी काका, क्या कर रहे हैं यार आप, ऐसे क्यों करते? तेरे को क्या लगता है यारा? हमको ये काम करने का शौक है, जवान बेटी है उसके लिए मेहनत मजदूरी करती है। जी करना है गनी काका, मुझे आपकी समझ नहीं आती यार, आप पता नहीं क्यों करते। आ गई है, अगर ये एक्सरसाइज और ये टेंशन मारने के अलावा थोड़ा यहाँ ध्यान दिया होता ना, तो आज इस मुसीबत से नहीं झेलना पड़ता। एक बात सुनो, मैं तुम्हारी बीवियों की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे सारे घर के काम करूँ, और शादी से पहले मैंने तुम्हें बता दिया था कि घर भर के काम मुझसे नहीं होते। अरे मेरी माँ, कम से कम नाश्ता बना लो, सीख लो, जब भी इस घर में आता हूँ नाश्ता किए बगैर जाता हूँ। अरे साहब, हमने सुना आपका दूसरा घर भी है, हमको उधर भी नौकरी दे दो, तुम्हारा तनख्वाह से ज्यादा हम तुम्हारे लिए दुआ करेगा। दूसरा घर? मेरे दो दो घर है, एक ये घर है जहां मैं आप दोनों से जलील होता हूँ, और एक मेरा दूसरा घर है, मेरा दफ्तर। वहां जब यहां से जलील होकर निकलता तो वहां जाके क्लाइंट से मैं जलील होता हूँ यार। अब मैं जा रहा हूँ दफ्तर, मेरे लिए कुछ पका लेना जब मैं दोपहर में आऊंगे। एक सेकंड, जो दोपहर में खाना है ना अपने साथ लेके आना, या तो कोई कुक रखो, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे सारे अखराजात पूरा किया करो। हाँ, और तुम्हारी जिम्मेदारी है सिर्फ मुझे जलील करती रखो, डांटती रहती है यार। बेगम साहब, आज धूप बहुत अच्छा निकला हुआ है, कोई कपड़ा छपरा है तो दे, हम वो भी धोके चला जाएगा, छुट्टी करेगा। आपका सिस्टम फिर रीसेट हो गया? हाँ नहीं 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 नहीं, हम अभी रेस्ट नहीं कर सकता, आप हमको तनख्वाह रेस्ट करने के लिए थोड़ी देता है। कहाँ फंस गई हूँ मैं, ये सब मेरे को पागल समझते हैं यार। अरे रूमी भाई, एक बात समझ में नहीं आती, ये तो कमरे में खिड़की है नहीं, लेकिन लाइट फिर भी आती है, पहले यहाँ से आती थी, यहाँ आ रही है। अबे यार वारंटी, दिमाग नहीं खराब कर, पहली छन्नो और जोया ने मुझे पागल बना के रखा हुआ, तुझे पता है आज सुबह छन्नो ने क्या किया, मुझे चाइनीज बना के दिया, वो भी मीठा और वो भी देसी घी में। हाँ तो मसला क्या है इसमें, चाइनीज सवैयों के साथ खाया या फिर देसी घी में बना हुआ था? वारंटी? अरे तो जोया बाबी घर चले आते ना, वो आपको कुछ ना कुछ खाना बना के दे देती। वो मुझे पागल बनाने के अलावा ना कुछ नहीं और बना सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी तो बना तो रही है। मेरा मतलब है रूमी भाई, आप कोई कुक क्यों नहीं रख लेते, जनाना काम करते करते ना मैं थक गया हूँ भाई। भाई यार तुझे पता है जोया जो है खाली कॉन्टिनेंटल खाती है, और ये नौकरानी को काम बनाना आता है सब कुछ। अरे नहीं रूमी भाई, आजकल की सारी लड़की ना यही काम कर रही है, उन्हें सब बनाना आता है, एक एप्लीकेशन है उसमें ना बस आप एड बना के डाल दो, अपना एड्रेस डालो, वो खुद चल के अपने पास आ जाएंगी। अरे हाँ ना, लेकिन तेरे भाई एप्लीकेशन क्या कर रही है, तेरा तो घर भी नहीं है। अरे रूमी भाई, मेरा भी तो दिल है ना, मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना एड बना के डाल देता हूँ, जैसी कॉल आती है उनसे दो चार बातें भी कर लेता हूँ।
इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम जैसे लोग ना स्कैंडल बनते नौकरानियों के साथ, फिर तुम जैसे लोग जलील होते और हम जैसे शरीफ लोग तुम लोगों की वजह से जलील होते। तो इसमें इंडाइटमेंट की क्या जरूरत है? पास लेकर दे इधर एप्लीकेशन। ये देखिए बच्ची जी, ये क्या खोल दिया? ओह सॉरी, ये तो पोकेमोन है, दूसरी वाली। ओके मैं आपको सेंड कर दूं? नहीं नहीं, इधर से। अरे अबे तुम काय को इतना परेशान होता है? हमारा उससे बात हो गया है, वो बोलता है हम नौकरा नहीं रखेगा। पापा हर रोज सुबह वो मुझे हर्ट करके जाता है और उसे कुछ कहने के बजाय आप हमेशा मुझे डांटते हैं। अरे चलो अभी तुम गुस्सा ठोको और हमको ये बताओ तुमको नौकरानी कैसा चाहिए? पापा मुझे जो कुक है ना वो थोड़ी पढ़ी लिखी टाइप चाहिए। तुमने उसे खाना बनवाना है या बीए का पर्चा हल करवाना है? पापा आप खुद ही बता दें कैसी होनी चाहिए। अरे नौकरानी सर ऐसा खूबसूरत होना चाहिए, लंबा लंबा बाल हो उसका। पापा मुझे कुक चाहिए, आपके लिए बीवी नहीं चाहिए। अरे देखो ने, अगर वो साफ सुथरा होएगा तो घर का काम भी साफ सुथरा करेगा, खाना भी साफ सुथरा पकाएगा, वरना खाने में सारा जरासीम होगा। स्मार्ट बॉय, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है। और एक बात और, कुंवारी हो तो ज्यादा बेहतर है। अब कुंवारी है शादीशुदा, इससे क्या फर्क पड़ता है पापा? तुम बिल्कुल नादान का नादान ही रहेगा यार। अरे वो कुंवारी होगा तो छुट्टी कम करेगा। हाँ सही कह रहे हैं, शादीशुदा के ना ससुराल के मसले बड़े होते हैं। और अगर खूबसूरत होगा, उसका लंबा लंबा बाल होगा तो मोहल्ले में भी हमारा इज्जत होगा और हम भी उसको देख के खुश होता रहेगा। पापा आपके इरादे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। एक काम करें ना, फोटोशॉप पे आप कुक डिजाइन क्यों नहीं करवा लेते और फिर रूमी को भेज दे, क्योंकि जो हुलिया आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो किसी कुक का नहीं मरहूमा अम्मा का लग रहा है। तो मैं करता ही वो था, उसी के बारे में तो सोचते थे। मैं जाकर देखता हूँ कौन आया। एक मिनट एक मिनट। तुम अंदर कैसे आया? अब वो गेट खुला था तो मैं आ गई। अच्छा सलाम। ये कैसा नाम है यार? मैंने सलाम कहा है। किसको? आपको। तुमने इनको सलाम क्यों बोला? क्यों? आप मुसलमान नहीं है? हूँ, लेकिन मेरा नाम सलाम नहीं है। तो फिर क्या नाम है आपका? तुम्हें क्यों बताऊँ? ये कैसा नाम है? ओ भाई तुम कौन हो? ज्यादा बातें ना बताओ, काम बताओ मुझे। दरअसल रूमी जी ने ना मुझे एज अ कुक हायर किया है। अब हम दोनों जो है वो खाना खुद मिलकर पकाएंगे। यही खड़े रखेंगे या किचन भी दिखाएंगे? अरे तुम बोलो तो मैं अपना दिल चीर के दिखा दूं। तुम बिल्कुल मेरा मरूम बीवी के जैसा दिखता है यार। अब तुम ये ना कह देना कि आप मेरे होने वाले शौहर जैसे हैं। हाय आपकी स्किन कितनी प्यारी है ना, मुझे देखें बचपन में 55 की दिखती हूँ। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ मक्खन कहा, मैं तो कोल्ड क्रीम लगाती हूँ। ओह गॉड, तुम इसे बातें बना दिया थी, ये कोई काम भी आता है? फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप ये सब आता है मुझे, और सेल्फी तो मैं ऐसे लेती हूँ ना कि पूछे ही मत। वाओ तुम्हें सेल्फी लेने आती है, तो मेरे साथ एक बनाओ ना, जल्दी से बनाओ ना। Wow, यार ये तो बड़ी अच्छी ली है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भी ना तुम्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लूंगी, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं मैं आपका ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों? मैं ऑलरेडी अपना फेसबुक फैन पेज नहीं संभाल पाती। आपको पता है 5000 मेल फॉलोवर्स ने ना मुझे अनफॉलो कर दिया है, सिर्फ इसी दुख से कि मैं रिप्लाई टाइम पे नहीं करती। चाइनीज इटालियन कुछ बनाना आता है तुम्हें? इसका तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। सब्जी हम कटेगा पकाएगा, ये इसी तरह दोनों प्यार से खाना बना बना के जिंदगी गुजारेंगे और जिंदगी भी अच्छी तरह कट जाएगी।
आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है? वो ना, मुझे अपना स्टेटस डालना है न्यू जॉब का, और चेकिंग भी तो करना है आपके घर का। वो भाई पहले घर तो चेक कर ले। उसका तुम फिक्र मत करो, हम इसको सब दिखा देगा। तुम जाओ ऐसे वैसे ऑन करो, आराम से सो। तो फिर कहाँ से शुरू करें? आई लव यू से। हाँ? एक और पिक्चर लेते हैं। रुमी जी, खाना खाली बन गया है। अरे यार, मैं नहीं आ रहा। सुबह सुबह जो तुमने मेरे साथ मजाक किया है, जानवर भी ऐसा खाना ना खाए जो तुम मुझे खिला रही थी। रुमी जी, एक बार खा के तो देखें आप। भाई मुझे नहीं खाना ना यार, दूर करो इसको। आप चेक तो लें। क्यों, मेरा मूड खराब? अरे यार, सुबह वाला खाना नहीं है ना? अभी अभी बनाए। अभी अभी ये बनाए? इधर लाओ, भागो। और कहा है? वाह 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 भाई, इतनी जल्दी तो मदारी का बंदर डांस करना नहीं सीखता, इतनी जल्दी तुमने चाइनीज बनाना सीख दिया। इस बात पे आज तुम इस इनाम की हकदार हो। ये लो। ना रुमी जी ना, इस इनाम की मैं नहीं, कोई और हकदार है। कौन? ये कौन है? वो ना, मैंने इसे मोबाइल ऐप के जरिए खाना बनाने के लिए बुलाया। अब आपका जब जो खाने का दिल करे आप बेझिझक मुझे बता देना, मैं इससे बनवा भी लूंगी और सीख भी लूंगी। चलो शुक्र है, तुम कम से कम हीट से तो अच्छे, तुम्हें मोबाइल तो सही इस्तेमाल करना आता है। सर, चाय या कॉफी? मैं पानी पीऊंगा, थैंक यू। ओके। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे क्यों दे दियो? तुम क्यों नहीं खा रही? जहर तो नहीं है इसमें? ना रुमी जी, मैंने ना सुबह वाली सेवियों में दूध और चीनी डाल के खा लिया था जी। मुझे ना मीठी सेवियां पसंद है, ये इंग्लिश सेवियां ना तू सिखाओ। माशा, सेवियां दूध चीनी है, मलाई डाल के मर क्यों नहीं जाती है? जी रुमी जी, की कह रहे हो? मैं कहता ये खा के मैं मर क्यों जाते थे, मरेगा गुड़ खा के। मर जा भाई गुड़ खाए बगैर। खन्नी काका, अगर प्याज कट गई है तो आलू अदरक और टमाटर भी काट दे। वो तो मैंने बहुत पहले काट के उधर बर्तन में रख दिया यार। अच्छा, तो फिर गोश्त धो ले। हाँ भाई, गोश्त भी धो लेगा, लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह हम दोनों मिलके प्यार से खाना बनाते हैं ना, इसी तरह प्यार से हमारे प्यार की खिचड़ी भी बननी चाहिए। चले इसी बात पे एक सेल्फी लेते हैं। आ जाओ, आंखों से आंसू भी आ रहा है। बाउट करें कनी काका। हाँ। रूमी डार्लिंग, देखा तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी सर आंखों पर, ये लो खाओ। अरे बेगम, मैंने तो आपको मजाक में कहा था, सुबह आपने दिल पे ले लिया है। क्या हो गया ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? अच्छा है ना? अरे वाह बेगम, मैं कहता था ना आपको कि घर जो है वो औरत ही बना दिया है, पहली बार बना और क्या बना यार, ये तो मजेदार है। अरे वाह, बनाने वाले का हाथ चूम लूं। मैंने नहीं बनाया, काम वाली ने बनाया। देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। काम वाली ने बनाया, उसको सुबह का और दोपहर तक बना भी दिया, क्या कोई सर्विस है यार? है ना। अरे अपनी प्लेट तो मैं लाने भूल गया, भी आती हूँ। तुम ले। अरे वाह यार, सुबह से इतना चाइनीज खा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा शाम तक मैं चाइनीज ना बन जाऊँ। चाइनीज से ज्यादा वारंटी को तो फोन करूँ यार। रूमी भाई, हेलो। हाँ वारंटी किधर है? आप तो पैसे देते नहीं है, खाना खाने आए थे, जेब में पैसे नहीं निकले, बर्तन धो रहा हूँ रेस्टोरेंट में। अबे जाहिल आदमी, तुझे तनख्वाह देने के लिए फोन नहीं किया, तुझे ये बताने के लिए फोन किया कि जिस एप्लीकेशन का तूने बताया था ना, अरे यार वो तो काम करके बड़ी क्विक सर्विस है, बड़ा मजा आ गया यार। अरे बंग, साढ़े ना ले रहोगे तो नशिकरोगे जिंदगी के। अरे हेलो, अरे सुने तो, आगे की लाइन आती है मुझे। हेलो कैंडियर यार, क्या अजीब सिचुएशन में फंस गया हूँ यार, ये कैसे ऐसे धोते बर्तन? तो फिर कैसे धोते? तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पैसे पूरे करने कपड़े का गलत हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा। अच्छा बना रहे हो मम्मी? बहुत 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 बहुत। अरे चाय कहाँ रह गई है?
अरे चाय तो लेकर आओ भाई। जी लाई। क्या हुआ? ओहो पानी दो, पानी पानी। अरे रूमी भाई ये ले। अरे छोड़े पीले। वैसे रूमी भाई लगता है भाभी ने ना आपको खाने में कांटे बना के खिलाए। जब से आए खांसी जा रहे। जितने मेरी जिंदगी में कांटे ना उससे ज्यादा कांटे तू मेरी जिंदगी में पैदा कर रहा है। रूमी भाई अब क्या किया जाए? मैं नहीं खेलना। भाभी से जगी लोग आते मुझ पे कन्वर्ट कर देते। तुझे मैंने शादियां बचाने के लिए रखा था ना अपनी तलाके करवाने के लिए। मुझे लगता है मेरे अब्बा के साथ ना तूने मशवरा दिया था उनको बैठ के किसकी चरणों से शादी करवा दे। अब क्या कह रहे थे रानी इधर उधर क्या? अब यार इस घर में भी रानी है और उस घर में भी रानी है और ये राजा बीच में फंस गया। समझ नहीं आ रही कैसे हो गया सब। इधर भी रानी उधर भी रानी ये दोनों एक जगह कैसे पहुंच गई? ये तू मुझे बताएगा। रूबी भाई मेरा ख्याल है आपने ना एक को मॉर्निंग टाइमिंग में बुलाया था और छन्नू भाभी ने उसको आफ्टरनून टाइमिंग। आपका असल में घर नजदीक होने की वजह से ना कंपनी ने ना एक कुक को दोनों घर पे भेज दिया। आपके तो कह रहा एक दो कंपनी वालों ने। अब क्या करी? मुझे लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं 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 भाई तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। तू एक काम कर, तू एक काम कर, ये पैसे पकड़ और बस में जा और गांव चले जा, तेरे काम की बात नहीं। अरे रूमी भाई इतने सारे क्यों दे रहे? और वैसे भी मैं कोई पैसों के लिए थोड़ी काम करता, मैं तो आपके लिए काम करता हूँ। ओ पैसे में तो बहुत ताकत होती है। पैसे से लोग वोट खरीद लेते हैं, मुल्क खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। अब मैं पैसों से नौकरानी खरीद लूंगा। रोमी साहब के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दिया तो वो मर जाएंगे और नहीं बताया तो ये बात पेट में रख रख के मैं मर जाऊंगी। गन्नी काका आपको कुछ बताना था। क्या बात है यार? कैसे बताऊं? वो दरअसल दूसरी दूसरी औलाद का तो ख्वाहिश हमको बचपन से था, लेकिन क्या करता, जोया का माँ का मरने के बाद वो ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। लेकिन अभी फिक्र की बात नहीं है, अभी तुम आ गई है ना तो दूसरी शादी के साथ साथ दूसरी औलाद भी हो जाएगी। इस उम्र में रिश्ते नहीं फरिश्ते मिलते हैं। मैं आपकी नहीं रोमी जी की दूसरी शादी की बात कर रही हूँ। करो मतलब? रोमी जी ने ना दूसरी शादी कर ली है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तो अजीब सा बात है, रंग हुआ मैं हुआ ने दूसरा शादी रोमी जी ने कर लिया। तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर अभी जोया को ये बात बताकर आती हूँ। इधर ही रुको तुम। अब क्या आग लगती है ये देखकर ही दूसरे घर जाऊंगी। जोया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तंग आ गई है इस बात से। वो है जोया, जोया। अरे गन्नी काका क्या हो गया? बहरी तोड़ी है यार, सुन ले कि आराम से बात करें। अभी जो बात मैं जोया को बताने लगा हूँ ना उसके बाद ये दुआ करेगी कि काश ये बहरी होती। पापा क्या हो गया, क्यों आसमान सर पे उठाया हुआ है? आसमान उठने वाला नहीं है, आसमान उठ चुका है। हाँ तुमको मालूम है कि रूमी ने दूसरे बाहर को बुला रहा है आपको। दूसरी क्या? दूसरी मैं बता दो ना। चुप कर जाओ बापा, मुझे बताइए सारी बात, बताइए दूसरी क्या? ये पता नहीं मैं भूल क्यों जाता है। याद आ गया इसने दूसरी नौकरी कर ली है। दूसरी नौकरी? तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तो मुझे पता है। दूसरी नौकरी? मैं भी तो यही कह रहा था कि मैं खुद बताता हूँ कि मैंने दूसरी नौकरी कर ली है। रूमी ने दूसरी नौकरी तो की है, क्या हो गया? अच्छा तो तेरे को मालूम था कि इसने दूसरी नौकरी कर ली है?
अच्छा ठीक है फिर मैं जाता हूँ, क्या फायदा इधर आने का। रूमी जी मुझे लगता है पापा को सच में यहाँ कोई दिखता है। हाँ जो भी दिखता है अभी नहीं देख रहा। वैसे रानी तूने अच्छा नहीं किया, जिस साहब ने तुझे अपने घर में नौकरी दी उसी का घर तोड़वा रही है। वो पेशावर की रानी, मैं क्वेटे का राजा, तुम्हें किधर किधर ढूंढता, तू इधर बैठा हुआ है। आपने बता दिया मैम को? हाँ। क्या कहा उन्होंने? अरे उसको तो इस बात का बहुत पहले से पता था, बल्कि उसने हमको भी डांटा कि इसमें इतना कौन सा हैरानगी का बात है, हा? आखिर बोझ तो हमारा ही हल्का हुआ। यार मेरे को भी अब कोई ढूंढना चाहिए, मैं भी तो इनका बोझ हल्का करूँ ना। बिल्कुल सही, आजा। मैम वो किचन में कुकिंग हुआ, क्या हुआ? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। की दसा रानी, सिर में बड़ी पीड़ है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आज रूमी जी तुसी भी आ गए। रानी ये कम कर, रूमी जी के वास्ते भी चाय बना ला, जल्दी जा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बेचारी बैठी है, उसको बैठी रहने दो ना, अभी उसको उठाना है, वो भी इंसान है। आज एक काम करते, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाता हूँ, मर्द और औरत बराबर है, काम करना चाहिए। हाय इन्हें क्या हो गया, आज तो इन्होंने मुझे 220 वॉलेट का झटका दे दिया, अब तो आपको 440 वॉट का झटका लगेगा। अरे यार कैसे बुलाऊं इसको इधर, क्या बहाना करूं कि जिसकी वजह चाय की पत्ती कहां पड़ी है? वही तो है। नजर नहीं आ रही मुझे। अरे उनको नहीं मिलना, तू जाके दे दे रानी, जा। ये तो रही रोमी जी, आपको दिखता नहीं है क्या? अरे जिस तरह मुझे ये चाय की पत्ती नहीं मिली ना, उसी तरह तुमने कभी ये नहीं देखा। हाय जी, क्या नहीं देखा? अरे वो असल में दुकानदार ने नकली नोट दे दिए मुझे, मैंने देखा ही नहीं। मैं इसको तनख्वाह दे रहा था। पर ये तो तनख्वाह पर कमी नहीं करती। हाँ तनख्वाह भी तो काम नहीं करती, लेकिन भाई अगर तनख्वाह पे काम नहीं करती तो पैसों पे तो काम करती है। अगर ये अगर ऑनलाइन नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये पैसे नहीं लगे हमसे? माँ है मेरी, सास है मेरी, पागल है ये। चलो मैं चाय लेके आता हूँ। सुबह से काम वाम करने का इरादा नहीं है। वो असल में ना मुझे दो नए घर मिल गए, तो पहले मैं वहीं जाती हूँ। वैसे आपको पता है बराबर मेरी छन्नो मैम की शक्ल ना आपसे बहुत मिलती है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कल से आप पहले यहाँ आएंगी। वैसे बड़े ही अजीब लोग रहते हैं आपके महल में। बाय द वे किसकी बात कर रही हैं आप? बराबर वाले रूमी जी की। आपको पता है उन्होंने दो शादियाँ की हुई है। तुम साथ वाले रूमी जी की बात कर रही हो? जी। कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं सबूत तो नहीं है, और वैसे भी मुझे क्या लेना देना, मुझे तो चुप रहने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। ओके अगर तुम सबूत के तौर पर रूमी की इसकी दोनों बीवियों के साथ वीडियो बना लो तो मैं तुम्हें डबल पैसे दे सकती हूँ। सच में मैम? यस। कोई मसला ही नहीं है, वैसे भी मुझे शाम को उनके यहाँ जाना है खाना बनाने, तो मैं दोनों की वीडियो बना लूंगी। जस्ट अ सेकेंड, ये रख लो एडवांस अमाउंट। थैंक यू। मेरी मम्मी तोड़वाई थी ना, और खुद दो दो शादियां किए बैठा है, अब आएगा मजा। मैं इसकी दोनों शादियां तोड़वाकर अपना बदला लूंगी। यस रूमी, प्लास्टिक सर्जरी के बाद ना मेरी शक्ल बदल गई है। जिससे तुमने शादी की थी, जिससे तुमने चाहा था, वो शक्ल नहीं रही। क्या अब भी तुम दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड नहीं हो? देखे ना जोया, मैंने आपसे मोहब्बत की थी, आपकी शक्ल से थोड़ी की थी। और जब ये आंखें आपकी आंखों से टकरती हैं तो उसके बाद ये किसी और लड़की पे घूमती भी नहीं। सच बोलो। मुझ बोलो, आपको मेरी आंखों में ये सच्चाई नजर नहीं आती मोहब्बत की? क्या नहीं, इस वक्त मुझे तुम्हारी आंखों में रानी नजर आ रही है। रानी, ये तुम क्या कर रही हो? हमारी बातें सुन रही थी ना तुम? नहीं नहीं, मैं तो आपको ये बताने आई थी कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं दूसरे घर जा रही हूँ।
और अगर आपको एक्स्ट्रा काम करवाना है तो उसके अलग चार्ज करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी तो तुम आई हो और खाना भी नहीं बनाया तुमने तो। मैं तो कब से आई हुई हूँ, और वैसे भी रोमी जी ने कहा था कि आज खाना बाहर से आएगा, क्यों रोमी जी? सब जी, हमने टाकी भी पूरा साफ कर दिया, गार्डन भी पूरा चमका दिया, अभी और कुछ बोलो, हमारे लिए कोई हुक्म है तो बताओ। अरे बेगम इनको जाने देना, हम दोनों अकेले बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें करते, पिज्जा ऑर्डर करते। हाँ ठीक है, तुम जाओ। वो तुमको किधर जाना है, हम छोड़ देगा तुमको? बस बराबर वाले घर में, छन्नो मैम के घर। हाँ तो मेरा साइकिल हाजिर है ना। अरे कनका, अगर आपका साइकिल तैयार है और आप छोड़ने चले गए तो घर के काम कौन करेगा? है सारा काम तो कर दिया, बर्तन भी चमका दिया है, तुम बोलो तो तुमको भी चमका देवे। नहीं नहीं मुझे ना चमकाए, मैं वैसे ही बहुत चमक चमक के रंग उड़ गया। आप एक काम करिए, आपने पानी धोए, कितना गंदा पानी है कराची का, और उसी गंदे पानी से आप पूरा घर धो जा रहे हैं। ये बात तुमने सही बोला है, हमने पानी धोना भूल गया। मैं जाकर पानी धोता है, तुम खुद जाओ बाबा, हमको घर का काम करना है। जल्दी जाओ। रूमी तुम मेरी आंखों के बारे में क्या कह रहे थे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी आंखें हम झूठ बोलते रहे क्या? अरे हम इज्जतदार घरेलू लोग हैं, हमारी बीबी है घर पे। मैम वो मैंने खाना बना दिया है और मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रही हूँ। हाँ तू जा। तो मैं ये कह रहा था कि तू क्यों खड़ी है, जा क्यों नहीं रही है? वो मेरी अम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ले पैसे क्यों चाहिए भाई, हम तुझे रोज के रोज पैसे देते हैं ना, अब अगर तू भी रेगुलर काम करने वालियों की तरह करेगी तो रूमी जी कंपनी से इसको मंगाने का फायदा की पता। ठीक है आपकी मर्जी, ना दे कोई बात नहीं रूमी जी। देखो जब कोई बंदा पैसे मांग रहा होता है ना तो उसको पैसे दे देते हैं, वरना अल्लाह में नाराज हो जाते हैं और फिर फेसबुक भी ब्लॉक हो जाता है। पागल ऐसे नहीं करते। एक काम करो, अभी ये फिलहाल 1-2 या 3 हज़ार रुपये रखो, बाकी का इंस्टॉलमेंट प्लान बना के दे देना। ठीक है। केड़ा प्लान जी? वो सवाब मिलता है ना उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है हासिल करने के लिए ना, इसे जाए। ठीक है अब इसलिए क्यों खड़ी है अब थोड़ क्यों खड़ी है, तेरा कुछ ज्यादा दिल्ली लग गया हमारे कार में। जा रही हूँ जी, जाइए। मेरी माँ, मेरा कहने का मतलब है मेरी बच्चों की माँ। रूमी जी मर जावा गुड़ खा के। गुड़ खा के नहीं मरना, वरना बच्चों की माँ कैसे बनोगी पागल। ये भी ठीक है। हाय रूमी जी आपने कितनी प्यारी बात की, हमारे छोटे 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 काके होंगे, कभी मेरा परांदा खींचेंगे, कभी आपको तंग करेंगे। छोटे 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 नहीं होंगे, छोटे होंगे एक एक। रूमी जी होंगे ना, होंगे इंशाल्लाह होंगे, अल्लाह हो जाए बस। मैम ये देखे मैंने रूमी जी की उनकी दोनों बीवियों के साथ वीडियो बना ली। वाओ खड़ी क्यों, बैठो ना, बैठो प्लीज। मेरी बच्चों की देखा, ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ। होल्ड ऑन, ये लो तुम्हारा बैलेंस अमाउंट। थैंक यू सो मच। सेंड कर देना, अब जाती कर देना। हाँ मैं अभी करती हूँ। अब आएगा मजा रूमी के दोनों घरों की बर्बादी देखने का। यस अच्छा हुआ रानी के बच्चे को दोनों घरों के अपने सामने से निकाल दिया, अब उस पर नजर रखनी पड़ेगी। वारंटी कहूंगा कि तेरी ड्यूटी है कि उसको कभी ना आने दे। रूमी भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा मुबारक हो, आप मशहूर हो गए। अबे मैं कैसे मशहूर हो गया? आपकी दोनों बीवी है ना तैयार बैठी हुई। क्यों कहीं जाना क्या? मैंने आपकी वीडियो देख ली। मेरी वीडियो? ये देखिए मेरी बच्चों। अच्छी है ना जी, ये किसी ने देखी तो नहीं? अरे किसी ने क्या, पूरी दुनिया ने देख ली, सारे सोशल मीडिया पे ना वायरल भी हो गई है। सोशल मीडिया पे? हेलो मेरे आप इतनी जल्दी पहुंचिए, वाह भाई वाह। मैं ना आपको अभी दोनों घर को ना एड्रेस सेंड करता हूँ। ओके बाय भाई। कैसे आप फोन था? चन्नू बाबी के घर वालों का। ओ अच्छा 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 क्या कह रहे? वो यहाँ आ गए। यहाँ आ गए? वो भी डंडे के साथ ना जलाकर। डंडा जलाकर क्यों आ गए? आपको जलाने के लिए ना, असल में एक मुखबर ने ना मुखबरी कर दी है आपकी दोनों शादियों की। तो वो सब डंडे चला के आ रहे। पूरे गांव को पता चल गया।
पूरा गांव मुझे आग लगा देगा। और नहीं तो क्या? फिर मुझे कौवे खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, गाय भी, गाय। लेकिन उससे पहले एक काम कर, तू वीडियो बना, तू वीडियो बना, तू वीडियो बना। मैं चाहता हूँ कि मुझे जलाने से पहले मैं दुनिया वालों को बता दूं कि मैं कितना मासूम और शरीफ आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, मैं रूमी हूँ। इतनी गर्मी में लोड शेडिंग के दौरान जब जनरेटर अपना फड़ 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 कर रहा था, मैं अपनी बीवियों से प्यार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बीवियों को मेरा प्यार नजर नहीं आया और उन्होंने अपने गांव वालों को बुला के बड़े बड़े डंडों के ऊपर बड़ी बड़ी आग लगा के मुझे जला दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देगा, क्योंकि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। जब मैं कहूंगा ना थ्री तो खींच देना प्यारे भाई। वन टू मैं तुम्हें सच बता दूंगा, सब कुछ सच बता दूंगा, ठीक है? सब कुछ सच बता, मुझे मारना नहीं प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग उमाग तो खराब नहीं हो गया? ऑफिस ही जाना और नाश्ता तैयार है तुम्हारा। ओ अच्छा, चलो शुक्र है ख्वाब था। ख्वाब था? क्या ख्वाब था? देखिए ना, आप मुझे नाश्ते के लिए बुला रही है, ये ख्वाब ही होगा ना। दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल ही पागल हो गए तुम। चलो फोन उठो, तैयार हो। अगर नहीं आए तो दिमाग की चमार दूंगी ना, ऊपर ठीक हो जाओगे। फौरन आओ। लम्हे ख्वाब को ख्वाब रखना और मौत के मंदिर से दूर। यार ये जूते भी बहुत फंसते हैं। रूमी, रूमी डार्लिंग, रूमी डार्लिंग, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरे सर आंखों पर। अरे बेगम, मैंने तो आपको सुबह मजाक से कहा था, आपने तो बात दिल पे ले लिया है। ये क्या है भाई, ये क्या है? अरे वाह बेगम, क्या जबरदस्त है। मैं कहता था ना, ये घर जो बनाती है ना, वो औरत ही बनाती है। और क्या बनाया है? और पहले ये तो मैं पहले कहीं नहीं बोल चुका। मैंने थोड़ी बनाई, तो काम वाली ने बनाया है। देखो जिंदगी कितनी सुकून में आ जाती है। अरे सुबह बोल के गया और दोपहर तक बना भी दिया, ये भी बोल चुका हूँ मैं। अरे चाय कहाँ रह गई है? अरे चाय तो लेकर आओ भाई। ये सुना सुना लग रहा है। आई जल्दी आओ। ये ने हाँ हाँ चाय डाल। रानी तुम तो?